जिमनास्टिक्स इज कॉल्ड द मदर ऑफ ऑल गेम्स. ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि जिमनास्टिक्स करने से और जिमनास्टिक्स करने के लिए पूरे बॉडी का यूज होता है. जब आप कोई भी स्किल्स सीखते हो जिमनास्टिक्स में, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स यूटिलाइज होते हैं और उसको उसमें आपका फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, कोऑर्डिनेशन, एंड्यूरेंस सब डेवलप होता है. जिमनास्टिक्स में बॉयज के लिए 6 इवेंट्स रहते हैं, मतलब 6 एपरेटस होते हैं, और गर्ल्स के लिए 4 एपरेटस होते हैं. और हर एक एपरेटस मतलब एक इंडिविजुअल गेम हो जाता है. जैसे अगर बॉयज है तो बॉयज में पैरेलल, वॉल्ट, फ्लोर, स्टील रिंग, उसके बाद पोमेल हॉर्स, ऐसे जो भी एपरेटस है, हर एक एपरेटस पे बच्चे को 7 से 10 स्किल्स करने पड़ते हैं. जिमनास्टिक का जो एक्चुअल एज होता है वो अर्ली एज है, मतलब जब बच्चा 3 या 4 साल का हो जाता है, और वो टाइम पे अगर उसने जिमनास्टिक चालू किया होगा तो उसको वो बहुत सारे बेनिफिट जो जिमनास्टिक्स के हैं वो मिल जाते हैं, वो कॉम्पिटिटिव लेवल के भी और डेवलपमेंटल लेवल के. मेरा रोल यहाँ पे ये है कि जो बच्चे बेसिक बैच से एडवांस के लिए आते हैं या कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए आते हैं, सो वो कॉम्पिटिटिव लेवल का मैं फाउंडेशन क्रिएट करता हूँ. ओके, सो मीन्स उनका स्किल प्लस फिटनेस में ट्रेन करता हूँ, तभी वो जाके कॉम्पिटिटिव लेवल खेलते. मैंने ज्वाइनिंग किया था 2010 में, तो हमारे जो एडवांस लेवल के बच्चे थे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही ज़्यादा करके हम लोग ने पार्टिसिपेट किया है. उसके बाद धीरे धीरे 4-3 ईयर्स के बाद बच्चों ने स्टेट लेवल पे कॉम्पीट करना चालू किया. उसके बाद धीरे धीरे अभी बच्चे नेशनल लेवल पे जा रहे हैं, और उसके बाद अभी भी हमारे यहाँ पे ईशिता रेवाले है, अनुष्का पाटिल है, ऐसे कुछ गर्ल्स है, वो खेलो इंडिया करके ये बड़ा इवेंट में पार्टिसिपेट करती है ऑल ओवर इंडिया में. अभी बहुत सारे बच्चे हमारे बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं. बेसिक जिमनास्टिक्स और एडवांस कॉम्पिटिटिव जिमनास्टिक, लाइक रिक्रिएशनल और कॉम्पिटिटिव, ये दोनों जिमनास्टिक्स हम लोग को एक साथ प्रैक्टिस कराना पड़ता है, क्योंकि बच्चे लोगों के स्कूल का टाइमिंग सारे लोगों का एक जैसा ही होता है, तो हमें बहुत टाइम टेबल बनाना पड़ता है. बहुत हर एक बच्चे लोगों का अपने एज ग्रुप के हिसाब से अलग अलग घंटे में हम लोग को बैचेस रखने पड़ते हैं, एंड वी हैव टू बी वेरी फिक्स विद द एज ग्रुप एंड द बैचेस. सो उस हिसाब से करने के बाद थोड़ा बहुत मैनेजमेंट होता है, अदरवाइज बहुत मुश्किल होता है. जनरली मैं 6 साल से जिमनास्टिक सीखा रहा हूँ. मेरे घर वालों का ऐसा था कि मैं मेरे लोकेलिटी में रहूँ नहीं ज़्यादा, इसके लिए उन्होंने मुझे यहाँ पे कोचिंग के लिए भेजा था. उसके वो उस वजह से मेरा इधर आके बहुत प्रोफेशनली चीज़ों में बहुत इम्प्रूवमेंट हो गया है, जहाँ पर मैं अभी कॉम्पिटिटिव लेवल्स के गर्ल्स को सिखा रहा हूँ और बिगिनर लेवल्स के गर्ल्स को भी सिखा रहा हूँ. फिलहाल मैं स्टेट लेवल के गर्ल्स का कोच हूँ. इधर आके मुझे बहुत कुछ ऐसे चेंजेस हुए दिख रहे हैं मुझे, और मेरे घर वालों को भी वो जो चाहिए था उन्हें वो मिला है. यहाँ पे अभी मुंबई में हम लोग प्रबोधन राय ठाकरे क्रीड़ा संकुल, जो हम लोग का इंस्टीट्यूट है, वो हम लोग यहाँ पे कोशिश ये कर रहे हैं कि बच्चों को और पेरेंट को एक हेल्दी इन्वायरमेंट मिले, जिनमें उनको अच्छे क्वालिटी के इक्विपमेंट, अच्छे क्वालिटी के कोचेस एंड अच्छे क्वालिटी के टीचिंग एड्स, ये सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड करके उनका परफॉर्मेंस इन्हांस करने के ऊपर हम लोग ज़्यादा अभी यहाँ पे फोकस कर रहे हैं. और हम लोग की ये जो संस्था है वो लास्ट 25 ईयर्स से स्पोर्ट्स के लिए डेडिकेटेड है, डेडिकेट से ज़्यादा कमिटेड है. इंडिया अगर टॉप लेवल पे जिमनास्टिक के लिए कॉम्पीट करना के लिए चाहता है तो गवर्नमेंट का बहुत बड़ा सपोर्ट होना ज़रूरी होता है. जनरली हमारी गवर्नमेंट भी अभी बहुत सारा सपोर्ट कर रही है बच्चों के, जैसे कि मैंने अभी फिर खेलो इंडिया का जो एग्जाम्पल लिया था, तो खेलो इंडिया के गेम में से बच्चों को बहुत सारे बड़े लेवल पे प्राइजेस मिल रहे हैं, वो भी कैश प्राइजेस मिल रहे हैं, बच्चों को बहुत सारी स्कॉलरशिप मिल रही है. कोशिश ये करता हूँ कि जो भी जिसको भी हम लोग सिखाए उनके चेहरे पे वो स्माइल बनी रहे, और वो स्माइल देख के ही मुझे हम लोग को सेटिस्फैक्शन मिलता है कि आज हम लोग ने कुछ बेटर किया. यहाँ पर 2.5 साल से बच्चे आते हैं, तो उनके साथ जो भी लाइक बॉन्डिंग है वो बहुत अच्छा होता है. लाइक उनके साथ हम लोग जितना भी टाइम स्पेंड करते हैं वो अच्छी तरह से, मतलब पॉजिटिव एनर्जी आता है उनमें से, और बच्चे भी हैप्पी रहते हैं. ये जिमनास्टिक सेंटर पिछले 25 साल से हम यहाँ ट्रेनिंग दे रहे हैं, एंड ऑल दिस इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ द सपोर्ट
फ्रॉम द मैनेजमेंट ऑफ प्रबोधनकार ठाकरे क्रीड़ा संकुल, अभी के जो प्रेसिडेंट है अरविंद प्रभु, जो यहाँ पे अभी एंटायर मैनेजमेंट संभाल रहे हैं, उनका ट्रेमेंडस सपोर्ट है, नॉट जस्ट गिविंग द स्पेस बट ऑल्सो द इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट या जो भी सपोर्ट चाहिए हमें ये सेंटर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने के लिए, वो पूरा सपोर्ट उनसे मिलता है एंड वी रियली आर थैंकफुल टू द मैनेजमेंट. Become a huge part of my life and it has taught me to stay determined and focused. It has taught me never to give up and be confident. We have been really liking. I have enrolled her since 6 months now and she has been friendly with so many coaches and sir here. Everyone has been really supportive, the management and the coaches as well. My limits and challenges me to be a better person than who I was. The main thing I learned is discipline. My goal is to play in Olympic Games. Coaches here have also taught my daughter the self-discipline, the sportsman spirit, and the most important, how to take her own decisions. I'm Man Kathari, I'm 15 years old, and I'm a national level gymnast in men's artistic gymnastics. Other than gymnastics, I've learned how to be disciplined, I've learned a lot about teamwork, and I've learned for planning for my goals. बच्चे जब छोटे होते हैं, तभी parents चाहते हैं कि वो कुछ sport खेले, but कौन सा खेल? इंटरेस्ट लेवल अभी तक डेवलप हुआ नहीं रहता है. हर बच्चा जो देखता है उसको वो खेलना रहता है. उन पेरेंट्स के लिए एक सजेशन है कि इनिशियल ईयर्स में आप उनको जिमनास्टिक्स करवाओ. उनकी जो फिजिकल डेवलपमेंट होने के बाद में, उसके साथ साथ आप उसको धीरे धीरे एक या दूसरा स्पोर्ट में इंट्रोड्यूस कर सकते हो. और एट द एज ऑफ 8 or 9, जब भी उसकी फिजिकल एबिलिटीज यहाँ डेवलप हो, आप उनको दूसरे स्पोर्ट्स में डाइवर्ट कर सकते हो. हेंस हर बच्चा अगर जिमनास्टिक्स करेगा, उसको एक आदत पड़ जाती है हर शाम को आके खेलने की, विच कन्वर्ट्स इनटू अ लाइफस्टाइल, अ हेल्दी लाइफस्टाइल, जो आज के दिन में बहुत ज़रूरी है. बच्चे जो गैजेट्स के साथ, टीवी के साथ जितने अटैच हुए हैं, उनको बाहर निकाल के खिलवाना बहुत ज़रूरी है और वो हैबिट्स यंग ईयर्स में बढ़ते हैं. सो आई सजेस्ट एंड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ द पेरेंट्स देयर कि कुछ तो स्पोर्ट खिलाओ. थैंक यू.